Reacting to the incursion by Chinese troops into the Indian territory, when Chinese President Xi Jinping was on a visit to India, SP leader Ram Gopal Yadav today said that this is a habit of neighboring nation. Yadav said whenever there is a diplomatic engagement between India and China, the PLA troops always intrude into our land and negate the assurance of Chinese leaders with regard to strong bilateral ties. Yadav said the four-month-old Modi-led NDA government should take a firm stand and act against such incursion to let China know the result of messing up with India. कि जब जब चीन के यहाँ कोई हमारा आदमी गया या चीन का आदमी आया तब तब उन्होंने इस तरह की हरकतें की। जब चाउ एन लाई यहाँ आए थे, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया जा रहा था, जब पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसके तत्काल बाद देश पर आक्रमण हुआ, आप जानते हैं। अटल जी जब विदेश मंत्री थे, चीन गए हुए थे, तो ये परंपरा है कि जब कोई बाहर का विदेश मंत्री हो तो अगर कोई घटना हो तो उसकी जानकारी उसको दी जाती है। लेकिन उसी दिन वियतनाम पर हमला कर दिया चीन ने। अभी राष्ट्रपति यहाँ थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झूले पर झूल रहे थे एक साथ, और चीन की सेनाएं हिंदुस्तान में घुस आई थी। तो ये हमारे नेतृत्व को अब जो बहुत लौह पुरुष कहते हैं उनको शक्ति दिखानी पड़ेगी, आंखें दिखानी पड़ेंगी, अपनी सेना को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तीन साल तीन महीने की सरकार के ऊपर इस तरह का कमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ये समझता है कि हिंदुस्तान का बहुत ही हिंदुस्तान बहुत सॉफ्ट टारगेट है, तो हमें उसे ये लगे कि ये भी इससे भी लड़ना झगड़ना लोहे के चने चबाने के समान। पावर्ड बाय NNIS।